स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो नई दिल्ली की टीम ने जिला श्री मुक्तसर साहिब के गांव हरी के कला के कांग्रेस सरपंच को राष्ट्रीय पक्षी मोर को घर में पिंजरे में कैद रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सरपंच के घर में एक नर व एक मादा मोर बरामद हुए हैं। राष्ट्रीय पक्षी को कैद कर रखने के आरोप में सरपंच पर केस दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो दिल्ली को सूचना मिली थी कि मुक्तसर में राष्ट्रीय पक्षी को घर में पिंजरे में कैद कर रखा हुआ है। दिल्ली से आई सदस्यीय टीम ने स्थानीय टीम के सहयोग से गांव हरी के कला में आरोपी सरपंच के घर में सुबह 8 बजे छापामारी कर उसे हिरासत में ले लिया है। आइए सुनते हैं वन रेंज अधिकारी बलविंदर सिंह को। जसविंदर सिंह शाम सिंह हरी के कला के वासी के घर छापा मारिया सीगा। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दे आए सीगे अधिकारी, उन्होंने उन्होंने सहयोग नाल उन्होंने असं पूरा सहयोग दिता। तो उतों दो मोर फड़े गए हैं, एक मेल एक फीमेल। सुबह 8 बजे साड़ी टीम ने उत्थे छापा मारिया सीगा, जिहड़ा कि मौके ते बरामद कर किन्ने मैंबरी टीम सी और की कार्रवाई जिहड़ी हैगी अग्गे? 5 बंदे इतों साढ़े गए सीगे, उन्होंने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल का, क्योंकि वो काफ़ी सर्च करके ही होंगे है, वो सही सिचुएशन ही वो होंगे छापा मारते। तो सानू उन्हों का बिल्कुल ही कोई पता नहीं होंगे इन्होंने कितने मारना, बट असं उन्हों का पूरा सहयोग दें। तो असं उन्होंने पूरे कार्रवाई करके वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत कार्रवाई आरंभ कर चुके हैं। भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 19720 के तहत मोर को कैद रखने के अपराध में 7 साल की जेल व 25,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। मुक्तसर साहिब से तरसेम डुड्डी की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।